साथियों, नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती शिवमोगा के लिए ये नया एयरपोर्ट विकास के नए द्वार खोलने जा रहा है। शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। जब नेचर की बात होती है तो यहां की हरियाली, यहां के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नदियां और पहाड़ अद्भुत है। आपके पास मशहूर जोग जलपाता भी है। यहां प्रसिद्ध एलिफेंट कैप है। सीमाधाम में सीमाधाम जैसी लायन सफारी है। आगुम्बे पर्वत के सूर्यास्त का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा। यहां तो कहावत है, गंगा स्नाना तुंगा पाना। जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पानी नहीं पिया, उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। साथियों, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो शिवमोगा के मीठे जल ने राष्ट्र कवि कुवेंपु के शब्दों में मिठा धोली है। दुनिया का इकलौता संस्कृत गांव मत्तुरु इसी जिले में है और वो तो यहां से दूर भी नहीं है। देवी सिंह घुदुरु चौड़ेश्वरी, श्री कोटे आंजने, श्री श्रीधर स्वामी जी का आश्रम, आस्था और आध्यात्म से जुड़े ऐसे अनेक स्थान भी हमारे शिवमोगा में है। शिवमोगा का इसरू गांव, जहां अंग्रेजों के विरुद्ध एसुरू बिट्टुरो ईसुरू बिड़ेवो इसका नारा गूंजा, ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्थली है। भाइयों और बहनों, नेचर और कल्चर के साथ साथ शिवमोगा के एग्रीकल्चर की भी विविधता है। ये रीजन देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी पाई जाती है, वही क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में स्थापित करता है। चाय, सुपारी, मसालों से लेकर भांति भांति के फल सब्जी हमारे शिवमोगा विस्तार में होते हैं। शिवमोगा के नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत यहां थी। ये जरूरत कनेक्टिविटी की है, अच्छी कनेक्टिविटी की है। डबल इंजन सरकार इस जरूरत को पूरा कर रही है। एयरपोर्ट के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिलेगी, देश विदेश के टूरिस्ट के लिए यहां आना आसान होगा। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेके आते हैं और एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसमें ही होते हैं। जब रेल कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो सुविधा और टूरिज्म के साथ साथ किसानों को भी नए बाजार मिलते हैं। किसान अपनी फसल कम कीमत में देश भर के मार्केट तक पहुंचाते हैं।